हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद, मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। एक तरफ गवादर में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा और दूसरी जानब तुर्बत में गोलियों से छलनी लाशों की बरामदगी। बलोच अवाम का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। वॉशिंगटन सियासी मंजरनामा अमरीकी सदर के लिए क्या चैलेंजेस पेश कर रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे खवातीन को सियासत में आगे ला सकती है। Folks with resources who believe in what we're doing to want to support us in this way is huge. और मेड इन पाची की पैक्सी टैक्सी। प्रोग्राम का आगाज करेंगे वॉशिंगटन से। ट्रंप को एक नए सियासी मंजरनामे का सामना है जिसमें हिज़्ब इख़्तिलाफ की डेमोक्रेटिक पार्टी पहले के मुकाबले में मजबूत बनकर उभर रही है। इंतखाबात जीते सदर को एक साल हो चुका है लेकिन वो अभी तक अपना दाखिली एजेंडा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। इस वक्त नीलोफर मुगल हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नीलोफर, सदर इस वक्त किन मामलों पर फोकस कर रहे हैं? जी साकिब, सदर ट्रंप इस वक्त जिन उमूर पर फोकस कर रहे हैं उनमें से इस्लाहात की मंजूरी है, इसलिए वो अपने रिपब्लिकन अराकीन जो कांग्रेस में उन पर जोर दे रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इनकी मंजूरी दे। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी देखा कि दो हफ्ते पहले रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स को इंतखाबी कामयाबी हासिल हुई, तो सदर ट्रंप और उनके रिपब्लिकन अराकीन को इसके बाद भी एक नए चैलेंज का सामना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप बाद वाशिंगटन वापस आ गए हैं जो उनके मुताबिक हकीकी फवायद लाएगा। मुझे इस पर सिक्योरिटी और हिफाजत और फौजी नुक्ता नजर से बहुत फख्र है और तजारत से मुतलक आप ऐसे इदाद शुमार देखेंगे जिन पर आपको भरोसा आएगा। सदर ट्रंप की तवज्जो अब टैक्स इस्लाहात पर है ताकि इसे आइंदा साल के मिड टर्म इलेक्शन से पहले कानून साजी की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर वोटर्स के सामने पेश किया जा सके। हमने दो अब इसी टैक्स रिफॉर्म के वादे पर लड़ा, सदर टैक्स में कटौती और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए लड़े। ये हमारे अमरीकियों से किए गए अपने वादों को पूरा करने से मुताल्लिक है। सदर ट्रंप उस वक्त एशिया में थे जब डेमोक्रेट्स ने गुज़िश्ता हफ्ते न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। तजिया कार किलकोंदे के नजदीक ये कामयाबियां रिपब्लिकन्स के लिए एक मुमकिन खतरे का इशारा है। ये हकीकत के सदर और गैर मकबूल शख्सियत है, डेमोक्रेटिक वोटर्स को इससे बाहर आने की मजीद हौसला अफजाई होगी और उनके वोटर्स की बड़ी तादाद में बाहर निकलना उन्हें 2006 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान का दोबारा कंट्रोल हासिल करने में साबित हो सकता है। जब लहर उठ रही होती है तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि ये जारी रहेगी लेकिन ऐसा मुमकिन है। सन 2000 में ऐसी ही लहर उठी थी जिसे पहले ही महसूस किया जा सकता था। सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह तारीखी तौर पर किसी सदर के पहले साल के लिए कम है। अगर सदर की मकबूलियत ऐसी ही रही तो मेरे ख्याल में यह पार्टी के लिए मुश्किल होगा कि वो ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल बरकरार रख सके। लेकिन डेमोक्रेट्स की महज सदर की मुखालफत ही कामयाबी के लिए काफी नहीं। डेमोक्रेट्स जब इंतखाब लड़े तो वो ये यकीनी बनाए कि मुखालिफ पार्टी नहीं, इन्हें मुकम्मल फायदा उठाने के लिए एक किस्म का एजेंडा लेकर आना होगा। हालिया इंतखाबात के नतीज ने डेमोक्रेट्स को सदर ट्रंप के आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देने की भी एक उम्मीद पैदा की है अगर वो दोबारा खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। ताहम तजिया कारों की राय में ऐसे अंदाजे सन 2016 की मानिंद गलत भी साबित। और सदर ट्रंप के दाखिली उमूर में मेक्सिको के साथ सरहद पर दीवार तामीर करना भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मेक्सिको के साथ सरहदी इलाके में एक अमरीकी बॉर्डर एजेंट की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करेंगे। लेकिन ये मामला भी कांग्रेस की जानिब से फंडिंग ना मिलने की वजह इल्तवा का शिकार है। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमारे साथ थी वॉशिंगटन के अपडेट्स के साथ, थैंक यू नीलोफर।
म्यांमार की राखाइन रियासत में मिलिट्री ऑपरेशन और रोहिंग्या बहरान के खात्मे के लिए चीन ने तीन मरहलों पर मुश्तमिल एक मंसूबा तजवीज किया है। यह ऐलान म्यांमार के दारुलहकूमत नेपिडॉ में 51 मुल्कों के सफारतकारों के इजलास के मौके पर किया गया। चीन के मुजवजा मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में जंगबंदी के बाद दूसरे मरहले में बांग्लादेश और म्यांमार को पनाहगजीनों की वापसी के लिए लायामल तैयार करना होगा, जिसके बाद तीसरे मरहले में रोहिंग्या बहरान का तवील मुद्दती हल तलाश किया जाएगा। इस साल अगस्त से अब 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से पनाह की तलाश में बांग्लादेश जा चुके हैं। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में 20 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर देने के वाक़े का अस्खुद नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को तहकीकात के लिए 3 हुकूमत ने इसे इंसानी स्मगलिंग के मसले से जोड़ा है, तहम 15 अफराद के कत्ल की जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में इन दिनों गवादर का चर्चा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के प्रॉपर्टी डीलर्स ने गवादर में डेरे डाले हुए हैं। तरक्की के सुनहरे ख्वाब और सिक्योरिटी मसाइल की बलोच अवाम के लिए क्या सूरत हाल पेश करती है, इस पर हम बात करेंगे आज के मेहमान से। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पहले मैं लाहौर में ही कर रहा था, तो लाहौर में चूंकि ड्रोन फॉल आया तो मैं अब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इधर क्योंकि वहाँ पर डेरे लगा बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगले 5 सालों में वहाँ पर नया दुबई वाकई ही बनने में जा रहा है। हमें डोर टू डोर पहले लोगों को बताना पड़ा कि गवादर की ये है और चाइनीज काम करे, चाइनीज जहाँ भी काम करते हैं वो चीज़ बाया तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि जरूरत भी है। हमें बैठकर अपनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती थी, अखबारों में मीडिया का सहारा लेना पड़ता था, क्लाइंट को बुलाना पड़ता था। अभी इस सूरत हाल इससे काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है। क्लाइंट खुद हमें सर्च करके पहुँचता है कि कौन ऐसा डीलर, कौन ऐसा ऑफिस जो कि गवादर का काम कर रहा है। हमें बताना पड़ता है कि यहाँ से ये अच्छा ये गवादर का स्टार्ट हो रहा है, इधर ये प्रोजेक्ट हो गया, फिर हम अपने प्रोजेक्ट को बताते हैं, लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी बेस्ट है। कॉलेज की भी इस चीज़ को काफ़ी होती है कि वो लग्जरी लाइफ आज वेल एज कमर्शियल लाइफ से बड़ा कॉन्टिनेंटल होटल आशु ग्रुप का खुल गया है, मैरियट वो खुलने जा रहा है, क्या उसकी इसी चीज को हमने अपने माइंड में टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ प्लॉट्स बुक गवादर में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। दूर है तो क्या हुआ, सिक्योर है, बिकॉज अभी मैंने सुना है कि नेवी वालों ने भी हाउसिंग अपनी सोसाइटी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो ऑब्वियसली वो सिक्योर होगा हर लिहाज से, डेवलपमेंट भी उसकी अच्छी होने वाली होगी, तो उन्होंने भी अनाउंस किया है, तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में थी। और जो आमिर साहब हैं दुबई वाले उनका था, लाहौर की प्रॉपर्टी भी इस वक्त स्टक हो रही है, गवादर जब क्लियर का नजर आ रहा है तो जिसके पास पैसा नहीं है यहाँ से प्रॉपर्टी बेचेगा वहाँ जाएगा, जब यहाँ प्रॉपर्टी बेचोगे मार्केट नीचे आती है, जहाँ भी कोई बेचोगे और नीचे आएगी पकड़ने में और तेजी आएगी। लाहौर से आपने रिपोर्ट देखी गवादर में प्रॉपर्टी की बढ़ती मकबूलियत के बारे में। इस वक्त क्वेटा से हमारे साथ हैं सूबा बलोचिस्तान की हुकूमत के तर्जमान अनवारुल हक काकड़। काकड़ साहब, व्यू 360 में खुशामदीद, मैं आगाज करना चाहूंगी तुर्बत में लाशों की बरामदगी के वाकये के बारे में। जब जिम्मेदारी इसकी BLF ने कबूल की है तो फिर हुकूमत इसे इंसानी स्मगलिंग का मसला क्यों करार देकर आगे बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर बात करने का मौका देने का। हम उसको कतअन किसी चीज से लिंक नहीं कर रहे हैं। हुकूमत यहाँ पे कर दे रही है जो हकीकत है उसकी वजाहत कर रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है ताकि जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको सच तक रसाई हो। और सच क्या है? सच ये है कि ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन की है, खुसूसी बांग्लादेश, खुसूसी तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये जितना भी खत्ता है यहाँ पे बेरोजगारी एपिडेमिक की तरह फैली हुई है और बहुत सारे नौजवान पैदा करना चाहते हैं। इसी तरह के ये बदकिस्मत नौजवान दिखे जो उस अनफ्रीक्वेंटेड और अनसेटल्ड रूट पे ईरान एंड देन ऑनवर्ड्स तुर्की और आगे जाने की कोशिश। तो इस वाक्य से तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि ये जो अनसेटल्ड रूट था जहाँ से वो जा रहे नहीं था, तो अगरचे वो इलीगली आप कहते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, जहां से वो गुजरे वो इलाका भी महफूज नहीं, इसी पे की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बात की जाती है, उसके लिए स्पेशल फोर्स भी खड़ी की जा रही है, लेकिन जो लोग इन इलाकों में आएंगे काम करने के लिए और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, आपको लगता है कि क्या अब उनको भी सिक्योरिटी के साथ सफर करना पड़ेगा अगर ऐसे वाकयात रोनुमा हो सकते हैं किसी के साथ भी?
बहुत शुक्रिया। ये अगर मैं वजाहत इस बात की करता चलूं, देखिए हमारे यहाँ जो लैंडस्केप है ये ऐसे ही है जैसे आप वेगस से तरफ जा रहे हैं सड़क के जरिए, लेकिन अगर उस सड़क के दाएं बाएं आप 150 किलोमीटर अंदरूनी राहों पे जाएं तो शायद अमेरिका में भी वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग ना हों। वो सिचुएशन हमारे यहाँ भी है। हमारी पहाड़ी सिलसिले हैं ये चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं तो ये वो वाले रस्ते अपनाते हैं जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और ये 4, 5, 8 के ग्रोह के लोग ग्रोह सामने और बाद औकात इस तरह की बदकिस्मती से एक वाकया करने में कामयाब होते। तो जो लोग वहाँ काम करने आ रहे हैं उनको नहीं फिक्रमंद होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के बारे में, उनको उनके खानदानों को फिक्र नहीं करनी चाहिए? कतई नहीं, क्योंकि जो लोग सीटेक के हवाले से या अदरवाइज भी आना चाहते हैं और आते हैं, पिछले दिनों ग्वादर रैली जीप हुई जिसमें कराची से पूरे मुल्क से लगभग हजारों की तादाद में लोग आए जिनमें खवातीन राइडर्स भी थी। ये तमाम के तमाम चूंकि अब जो हमारे रोड्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हमारा है उसको जर इस्तेमाल लाते हैं क्योंकि 100% सिक्योर है। वैसे जिस रैली का जिक्र आपने किया वो भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इकदाम के साथ की गई थी। अच्छा, आपने सिक्योरिटी की तो बात की, एक और इशू आपने अमेरिका का जिक्र किया, लॉस एंजलिस से वेगस वहां भी रास्ते में नहीं होगी सिक्योरिटी। अमेरिका में एक और इशू हम देखते हैं जेंट्रिफिकेशन का, यानी यहाँ पे जो शहरों में कम आमदन वाली कम्युनिटीज हैं वो अब बाहर मूव करें क्योंकि यहाँ पे कीमतें बढ़ गई हैं प्रॉपर्टी की। अगर हम बलूचिस्तान की सूरत पे भी ये इशू अप्लाई होता नजर आ रहा है कि रकबे के लिहाज से तो मुल्क का 44% है बलूचिस्तान, लेकिन आबादी के लिहाज से बलोच सिर्फ 5% है। दूसरे शहरों से जो लोग आ रहे हैं जमीनें खरीदने के लिए, उनको जो लोग अपनी जमीनें अच्छे दामों में बेच के चले भी जाते हैं, उनको बाद में या तो ऐसे इलाकों में सेटल होना पड़ रहा है जो पसमानदा है, या फिर उनको कराची और दूसरे बड़े शहरों में जहां उनके लिए वो वसाइल नहीं मौजूद जो कि किसी भी शख्स की तरक्की के लिए जरूरी हैं। तो बलोच अफराद को जो ये खदशा है कि वो अपने ही सूबे में माशी जो पिक्चर डेवलप हो रही है उसकी वजह से अकलियत बन जाएंगे, इस खदशे को अमली तौर पर हुकूमत कैसे दूर कर रही है या करेगी? देखिए, एक बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है, और दूसरा बहैसियत बलोचिस्तानी के और बलोच आवाम के जो यहाँ पर लोग हैं वो जिस तर्ज या जिस अंदाज से सोच रहे हैं, वो दो चीजों की तरफ रुख करें, आइदर पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और द थर्ड इज मिक्स ऑफ बोथ। तो हुकूमत जो कर रही है वो ऐसे इकदाम कर रही है कि ये दोनों के मिक्सचर में जाएं, जहां पे सेंसिबिलिटीज उनकी आइडेंटिटी की जो है वो प्रोटेक्टेड हो, और साथ साथ जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है चाहे वो कोस्टल एरिया का है या बाकी बलोच आबादी है उसको इस हद तक इस सतह पे डेवलप करके लाएं ताकि वो लोकल ही अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लॉइट कर सकें और उनको ये खतरा जो है वो रियल टर्म्स में बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। दो चीजें जो हम ग्वादर में देख रहे हैं, अभी भी पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, अगर जो लोग प्रॉपर्टी वहां पे खरीद रहे हैं ये नहीं जानते कि पानी पीने का कब आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बलूचिस्तान में ईरान से आती है, उसके अलावा जो डोमेस्टिक जो लेबर है उसकी अब भी ये शिकायत है कि उनको वो ट्रेनिंग नहीं दी गई जिसके जरिए उनको सीपैक में आला दर्जे की नौकरियां मिल सकें। वो कह रहे हैं हमने 2006 से हुकूमत से बात करनी शुरू की थी इस बारे में लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो ये जो दो इश्यूज हैं कि एक तो जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कल को ये प्रॉपर्टीज इस लिहाज से सेफ होंगी कि जिन फैसिलिटीज का वादा किया है वो नहीं है वहां पर, बलोच अवाम को जो नौकरियां चाहिए अच्छे दर्जे की उनका क्या होगा? देखिए, पहले मैं नौकरियों को एड्रेस कर दूं। हमने दो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स एक खुजदार में और एक ग्वादर में अप्रूव हो चुका है और वो ईयर में हमें उम्मीद है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नस्ट एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का साइंस और एजुकेशन का इदारा है, उसका कैंपस ग्वादर के अंदर अप्रूव हुआ हुआ है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और सो में स्टैब्लिश होगा। साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि पानी के हवाले से बहुत ज्यादा बात ग्वादर के कॉन्टेक्स्ट में, हम यहाँ पे ऑलरेडी दो डैम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में बारिशों की कुछ कमी हुई है जिसकी वजह से उन डैम से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थी वो पॉसिबल नहीं हुआ। सागर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने सब्सिडाइज्ड पानी है वो हुकूमत बलोचिस्तान प्रोवाइड कर रही है ग्वादर के शहर। तो मेजर्स यानी लिए जा रहे हैं लेकिन अभी उनका फल नजर आने में वक्त लगेगा। अनवारुल काकड़ हमारे साथ थे क्वेटा से, बहुत शुक्रिया।
और इस्लाम आबाद में मजहबी जमातों का धरना जारी है, जिसे खत्म कराने की कोशिशों पर अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज बच्चों के आलमी दिन के मौके पर आप हमारी वेबसाइट पर वीडियोस और फीचर्स भी मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया भर से अहम खबरें। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के ओहदा छोड़ने की शराइत पर रजामंद हो गए हैं और इस्तीफे का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उमर इसीदा मुगाबे के इस्तीफा देने की मुसलसल मुजाहमत के बाद उनका मुआखजा करने की तैयारियां की जा रही थी। जर्मनी में हुकूमत की तश्कील के लिए चार हफ्ते तक जारी रहने वाले मुजाकरात नाकाम का शिकार हो गए हैं। आंगला मर्केल की इत्तेहादी जमात फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने इमिग्रेशन और तवानाई जैसे इश्यूज पर इख्तलाफात के बाइस मुजाकरात से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अर्जेंटीना की लापता होने वाली सबमरीन सैन हुआन की तलाश की कोशिशें जारी हैं। 2200 टन वजनी और 66 में अमले के 44 अफराद सवार हैं। ब्राजील, चिली और बरतानिया समेत कई ममालिक तलाश की कोशिशों में मदद फराहम कर रहे हैं। बरतानवी मलिका एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप आज अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर शाही जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए कई तकरीबात मुनक्किद की गयी। मलिका बरतानिया की शादी बरतानिया की शाही तारीख की सबसे लंबी चलने वाली शादी है। हॉलीवुड के नामवर प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन पर खवातीन को जिंसी हिरास का निशाना बनाने के इल्जाम से पर्दा उठने के बाद पिछले 5 हफ्तों के दौरान कई बार भी ऐसे इल्जाम सामने आ चुके हैं। और अमेरिका जैसे रोशन ख्याल मुआशरे में खवातीन को इस तरह के रवैयों का सामना क्यों करना पड़ता है और इसका हल आखिर है क्या, आइए देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। हॉलीवुड स्क्रीन के पीछे से यहाँ तक कि सियासी ताकत के ऐवानों से भी अमरीकी खवातीन अपने साथ रवा रखे गए नामुनासिब जिंसी रवैयों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वो नामुनासिब रवैये जो बासर मर्दों की जानिब से उनके साथ माजी में रवा रखे गए। लगता है कि ये खवातीन अपनी कई बरसों की खामोशी का अजाला करना चाहती हैं। इस हर रोज तवील होती फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा किया है एक बेबाक रेडियो होस्ट लियान ट्रेडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर एल फ्रैंकन पर इल्जाम लगाया। इल्जाम का सामना करने वाली अमरीकी सियासत की दुनिया की एक और बासर शख्सियत हैं अमरीकी सेनेट के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक जज रॉय मूर। इन पर इल्जाम है साथ गलत जिंसी बर्ताव का। ताहम राय मूर कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने की इजाजत खुद ने दी थी। सेनेट के अक्सरियती लीडर रिपब्लिकन मिच मैकोनल का कहना है कि उनकी पार्टी रियासत अलबामा से मिस्टर राय मूर की सेनेट के लिए नामजदगी खत्म करे। आप में से बहुत से लोगों को ये एहसास हो चुका है कि ये मिच मैकोनल और उनके हामियों की एक कोशिश है कि अलबामा के लोगों से इस इंतखाब को छीन लिया जाए और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सेनेटर एल फ्रैंकन की जानिब से फौरी माजरत कबूल करते हुए लियान ट्रेडन का कहना है कि वो एल फ्रैंकन से मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं कर रही। ताहम जिंसी हैरेसमेंट के खिलाफ काम करने वाले एग्जेक्टिव के नजदीक मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिंसी हिरासाई की कोशिशें मामूली भी हो सकती हैं और शदीद नोयत की भी। बस ऐसी हरकतें करने वाले को एक रास्ता चाहिए होता है ताकि इस सिलसिले को जारी रख सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रॉय मूर की उम्मीदवारी की हिमायत की है, लेकिन उनकी तर्जुमान ने ये वाजह नहीं किया कि आप हिमायत करते हैं या नहीं। देखिए, सदर इस पर यकीन रखते हैं कि ये इल्जाम बहुत तकलीफ दे हैं और इन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। वो सोचते हैं कि अलबामा के लोगों को इसका फैसला करना चाहिए कि कौन होगा। इन इल्जामात का सामना करने वालों को अपने जराइम की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जरूर वाजे है कि इन केसेस से दुनिया भर में खवातीन ही नहीं बल्कि मर्दों को भी जिंसी बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला मिला है। जिला टिसा होक के साथ सहार माजिद, उर्दू वीओए। पिछले एक साल के दौरान खवातीन को अमरीकी सियासत में आगे लाने की कोशिशों में नुमाया इजाफा देख है कि बैलेट बॉक्स पर कामयाबी के लिए खवातीन टेक्नोलॉजी से किस तरह मदद लेना सीख रही हैं। ये एरन अपचर्च की अपनी इंतखाबी मुहिम की पहली वीडियो है। अपचर्च को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल के लिए इस वीडियो क्लिप बनवाने पर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा क्योंकि
اس پر رضاکار ہیں. وسائل رکھنے والے ایسے لوگوں کا ہمارے لیے تعاون بہت بڑی بات ہے. 2016 کے الیکشن کے بعد میگن پارکر ویڈیو پروڈکشن میں اپنے تجربے کو سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال. انہوں نے جدید سوچ رکھنے والی خواتین کے لیے پٹنگ ویمن ان دیئر پلیس نامی ویب سائٹ شروع کی اور میڈیا میں اپنے پرانے ساتھیوں سے رابطہ کیا. سبھی نے کہا کہ یہ زبردست آئیڈیا ہے, ہمیں شامل کیجیے اور یہ کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک دن نکال سکتے ہیں. پٹنگ ویمن ان دیئر پلیس ان بہت سے سوشل میڈیا وسائل میں سے ایک ہے جو اپنی پہلی کرنے والی خواتین کی مدد کر رہی ہے. ڈیموکریٹک خواتین کے لیے ایمرج نامی سیاسی پروگرام نے خواتین امیدواروں کو فروغ دینے کے لیے ٹویٹر ہیش ٹیگ وائی شی رانس شروع کیا ہے, جبکہ پروجیکٹ شیلا ویب سائٹ سے صرف اتنے ہی پیسے لیتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. کراؤڈ پیک امیدواروں کو اپنی مہم کے آغاز سے پہلے ہی اس فنڈنگ کا اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے جو وہ جمع کر پائیں گے, اور اگر امیدوار الیکشن میں کھڑا نہیں ہوتا تو ڈونرز سے پیسے نہیں دیے جاتے. اور اپنی مرضی کے ڈونر کالرز بنانے کے لیے ایرسٹاٹل کے پاس 19 کروڑ ووٹرز کی لسٹ ہے, جبکہ پولیس ایک موبائل ایپ ہے جو گھر گھر جا کر مہم چلانے کے لیے پیدل چلنے کا نقشہ فراہم کرتی ہے. اچھی ہیں لیکن اکثر کا خیال ہے کہ خواتین کو سیاست میں آگے لانے کے لیے انہیں کم عمری سے ہی اس طرف مائل کرنا چاہیے. کیا آپ نے کبھی خاتون صدر بننے کے بارے میں سوچا ہے؟ لیکن پھر مجھے لگا کہ بڑی ذمہ داری. صدر بہت مصروف رہتے ہیں جبکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہوں گی. اور دوسری طرف شیلا سنگر ہیں. اسکول میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں صدر بننا چاہتی ہوں اور مجھے یہ بات دلچسپ لگتی ہے. تو آج سے 25 سال میں کیا پتا کہ یہ خواتین پریزیڈنٹ سنگر کے لیے راہ ہموار کر دیں. کیرولائن خان, اردو وی او اے. کراچی میں خواتین کے لیے پرسکون اور محفوظ سفری سہولتوں کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن سارا میڈ ان پاکستان میں آج ملتے ہیں کرن راؤ سے جو اس مسئلے کو حل کرنے نکلی ہیں. لباس اور گلابی اسکارف, یہ یونیفارم ہے کرن راؤ کا جو کراچی میں ٹیکسی ڈرائیور ہیں. کرن کو شروع سے گاڑی چلانے کا شوق تھا اور وہ ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھیں جہاں وہ اپنا شوق بھی پورا کر سکیں, کچھ کمائی بھی ہو جائے. ٹیکسی ٹیکسی سروس میں بطور پائلٹ شامل ہو کر کرن کی یہ خواہش پوری ہو گئی. ماڈلنگ ہر ایک چیز میں, ہر ایک شعبے میں خواتین بہت آگے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ڈرائیونگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ لڑکیاں اگر ڈرائیو کریں گی تو وہ ایکسیڈنٹ ہی کاز کریں گی. جب موبائل ایپ سے ٹیکسی بلائیں یا کہیں سڑک پر جاتے ہوئے دیکھیں تو روک لیں. السلام علیکم. اس سروس کی منفرد بات یہ ہے کہ ڈرائیور خواتین ہیں تو مسافر بھی خواتین. وقت کی بچت, آرام دہ سفر, مناسب کرایہ, تحفظ کا احساس. سفر کرنے والی خواتین کہتی ہیں خستہ حال پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں یہ سروس خواتین کے لیے احساس تحفظ ہے. آپ گھر بیٹھے ایک ایپ سے آپ بک کروائیں, اور سب سے بڑی سہولت یہ کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے, آپ کو یہ یقینی ہے کہ بھائی ہم جس خواتین کے ساتھ ہی سفر کر سکتے ہیں. تو خواتین فیمیل ٹو فیمیل جو ایک کمفرٹ زون ہے اس کا کوئی کمپیریزن یا ریپلیسمنٹ نہیں آئی بھی نہیں. ایکچولی سب سے پہلے جو سب سے پہلے چیز چیک کری دیٹ از کہ آپ کے پاس جب انٹرنیٹ سروس اویلیبل نہیں ہے تو ہم ہیلنگ کے تھرو کرنے کے بعد بھی پنک ٹیکسی کو بلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ فیمیل کے ساتھ کسی فیمیل کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو اٹس سیف. کراچی میں ٹریفک کا اجتہام ہے, ایسے میں سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے جب کوئی حوصلہ افزا رویہ یا کلمات سننے کو ملتے ہیں تو کرن کہتی ہیں کہ انہیں خوشی ہوتی ہے. جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں تو خاصا حیرانگی سے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تھمز اپ کر رہے ہوتے ہیں. ایون ہمارے جو ٹریفک پولیس والے ہو گئے, اگر ہم وہاں سے کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہ ہمیں خود سیلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں خواتین کی پہلی تربیت حاصل کرنے کے بعد اس وقت 10 خواتین ڈرائیور کراچی میں ٹیکسی چلا رہی ہیں اور باعزت روزگار کما کر اپنے گھر والوں کا سہارا بنی ہوئی ہیں. سروس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عنقریب یہ کمپنی مزید کو ٹیکسی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu پر. سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.